Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज कि आप सब ठीक है। सो गाइज, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं हिमालय की हमारी ग्लो क्रेम जो केसर वाली है उसका रिव्यू करूँ। सो मैं आ गई हूँ उसका रिव्यू करने। सो चलो उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसा वो करता है। बट गाइज, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, वो बिल्कुल फ्री है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज। केसर फेस क्रैम जो प्राइस है ना इस पे 55 रुपीज़ लिखा है। आई थिंक डिस्काउंट मिल जाता है आपको, इससे भी कम रेट में मिल जाएगी। हमें 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है और क्वांटिटी का इसकी हमारी 25 ग्राम है। ये सबसे छोटा वाला है, इसका बड़ा भी आता है। इन्होंने कहा है कि हमारा जो क्रीम है वो फेस को नरिश करेगी, इसको क्लियर एंड हेल्दी बनाने में हेल्पफुल है। गाइस इसमें हमें यूवी फिल्टर मिलता है और ये क्लिनिकली टेस्टेड क्रैम है। सो गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे स्किन को हेल्दी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, नरिश देगा, नरिशमेंट देगा एंड यू नो स्किन की इम्प्योरिटीज को भी क्रीम जो है वो खत्म करेगी। तो इसमें गाइस, इसमें जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो इसमें पाइको वाइटामिन है और वाइटामिन ई है और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट हमारा केसर भी है। भाई इससे मिलकर ना स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ठीक, मतलब स्किन को गोरा करने में हेल्प करेंगे, स्किन की इम्प्योरिटीज को खत्म करेंगे, ये सब इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। गाइस 5 बेनिफिट्स है जिन्होंने कहा है जो हमारी स्किन पे करेगी, स्किन को क्लियर एंड इवन बनाने में हेल्प करेगी। गाइस स्किन के ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट को खत्म करने में हेल्पफुल रहेगी, स्किन को ल्यूमिनस बनाएगी और स्किन को यू नो ब्राइटन अप दिखाने में हेल्प करेगी। गाइस इसमें यूवी फिल्टर है जो ना स्किन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। गाइस इन्होंने कहा है कि ना स्किन को यू नो मॉइस्चराइज रखेगा बट स्किन को ग्रीजी या फिर ऑयली नहीं दिखाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसमें जो लिखा है वो बताने के बाद बताऊंगी कि मैंने इसका क्या फील किया है। गाइस इन्होंने कहा है कि आपको इसके विजिबल रिजल्ट कम से कम आपको 6 वीक इसको यूज करना है, उसके बाद ही आपको इसके विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारी पैराबेन फ्री क्रीम है। गाइस इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, इसमें नियासिनामाइड्स है, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें और भी अच्छी चीज़ें हैं बट पैराबेन फ्री है, बट इसमें अल्कोहल है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करने का सोचेंगे भी नहीं। वैसे हिमालय है हमारी बहुत ट्रस्ट वर्दी, हमारा जो ब्रांड है हिमालय बहुत टाइम बहुत सालों पुराना ब्रांड है, हम बचपन से इसको सुनते हुए आ रहे हैं। सो एक अच्छा खासा ब्रांड है, ठीक है। गाइस अंदर की पैकेजिंग देख लीजिए, बहुत क्यूट सी, बहुत छोटे छोटे प्यारे से पैकेजिंग है। इस पर जो बाहर लिखा था वो सब चीज़ें सेम इसके ऊपर लिखी है। सबसे खूबसूरत बात है कि इसकी शेल्फ लाइफ वो इसके ऊपर इसकी लिखी हुई है, ठीक है। गाइस टेक्सचर देख ले ना, एक ना बिल्कुल लाइट सा ऑफ वाइट कलर जिसे बोलते हैं ना, वो वाला कलर है। लगने के बाद ये कुछ अच्छे से लगता है, अच्छे से स्किन में ना घुस जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, थोड़े बाद ना सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, मैंने बताया आपको जो इस पे लिखा था, अब बारी है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था। गाइस मुझे ना 10 से 15 दिन हो गए इसको यूज करते करते। आई नो उन्होंने बोला कि आपको 6 वीक्स यूज करना है। गाइस 6 वीक्स मीन्स 1 महीने से ज्यादा, एक तो इन्होंने टाइम बहुत लंबा दे रखा है, इतना लंबा सब्र आई डोंट थिंक सो हम लड़कियों से हो पाता है। गाइस मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा स्मेल है, बट जो स्मेल है ना थोड़ी सी इरिटेटिंग है। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो इससे आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। गाइस अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ इसको यूज करने का नहीं सोच सकते, यू हैव टू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर बिफोर अप्लाइंग दिस क्रीम, बिकॉज स्किन को ना हल्का सा यू नो ड्राई फील कराती है। अगर आपको स्किन पे ना हल्का ग्लो ग्लो पसंद है, अगर आपको मैट फिनिक्स अपना फेस पसंद तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको अपना फेस मैट दिखाना अच्छा नहीं लगता लाइक मी, तो आपको ये क्रैम अच्छी बिल्कुल नहीं देगी। एक हल्का सा ना हल्का बहुत थोड़ा सा ना वाइट सा कास्ट हमारे स्किन पे आता है, बहुत थोड़ा सा, लाइक ऐसा लगेगा कि हमने ऐसे फेयर एंड लवली लगाते हैं, उतना नहीं, उतना गोरा नहीं, बट हल्का हल्का फील होता है स्किन के ऊपर। आई नो कैमरा पे इसका समझ में नहीं आएगा बट सामने से आता है। स्मेल बहुत परेशान करती है इसकी। सेकंड पैकेजिंग ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। गाइस इन्होंने कहा है ब्लेमिशेस वगैरह ये सब, तो गाइस मुझे इतना कोई लगता नहीं कि सब चीज़ें वो करेगा। गाइस पर्सनली आई फील कि जो हम नाइट टाइम में स्किन का हमारा केयर करते हैं ना,
हमारी स्किन को कुछ अच्छा वर्क हो रहा है या कुछ ख़राब हो रहा है वो हमारे स्किन केयर पर डिपेंड करता है, और इसको हम अपने स्किन केयर में ऐड नहीं कर सकते, फॉर दिस इज जस्ट अ क्रैम। गाइस लोग पूछते भी हैं यू नो कि क्या हम इसे नाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं है, नाइट क्रैम नहीं है जिसको मिला के 12 घंटे सोने में सो जाएंगे, दिस इज नॉट अ नाइट क्रैम। आप इसे जस्ट एज अ क्रैम यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे दिन के टाइम, तो रात में लगाने के लिए क्रैम नहीं है, ठीक है। सो या गाइस ये था मेरा वीडियो, आई होप भी पूछना है आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे, मैं जरूर से आंसर दूंगी। सो या थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।